सुनो तालिबा, अगर आपको कोई फल खाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसे कैसे खाएंगे? सबसे पहले आप उसको धोएंगे, उसके बाद उसे काटेंगे और काटने के बाद उसे खाएंगे। ये हुई फल को खाने की सही तरकीब। अब आप मुझे ये बताइए कि आप रोजाना स्कूल जाते हैं, उसके बाद आप स्कूल से घर आते हैं, घर आने के बाद आप खेल कर और कोई काम कर खाना खाकर सो जाते हैं। ये हुई आपके काम की सही तरकीब। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक बच्चा स्कूल की तैयारी में है, मतलब वो स्कूल जा रहा है, फिर उसे सोया हुआ बताया गया है और फिर उसे उसके बाद उसे खेलता हुआ बताया गया है। अब आपको ये बताना है कि इस बच्चे के जरिए काम की सही तरतीब क्या लगेगी, वो सबसे पहले क्या करेगा? हाँ, वो सबसे पहले स्कूल जाएगा, उसके बाद वो स्कूल से वापस आने के बाद खेलेगा, खेलने के बाद वो रात में खाना खाकर सो जाएगा। ये हुई काम की सही तरतीब। अब आप इस तस्वीर को बगौर देखिए। इस तस्वीर में चूल्हे पर एक पतीले में दूध गर्म हो रहा है, दूसरे नंबर पर एक बच्ची के हाथ में कप है, दूध का कप नजर आ रहा है हमें, और अगली तस्वीर में देखेंगे तो उस बच्ची की मां पतीले से कप में दूध उंडेल रही है। अब हमें इस काम को सही तरतीब में बताना है या लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, सबसे पहले चूल्हे पर दूध को गर्म किया जाएगा, उसके बाद मां पतीले से दूध कप में उंडेलेगी, उसके बाद हाँ वो बच्ची के हाथ में कप दूध का कप आएगा और वो पिएगी। ये हुई इस काम की सही तरतीब। तो बच्चों, इससे हमें ये समझ में आया कि काम को सही तरतीब में किस तरह करते हैं और किसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये चीज हमें समझ में आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसके बाद क्या इस तस्वीर को वादे तौर पर समझ गए होंगे।